सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और सुरैया बीबी डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब हो गए। JUI के अरकान ने अजलास का बायकॉट किया। वजीर आला के मनसब के लिए इंतखाब कल होगा। हम पोलिंग स्टार्ट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास स्पीकर मुश्ताक गनी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए राय शुमारी हुई। JUI अरकान ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट किया। स्पीकर के इलेक्शन के लिए 106 वोट डाले गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती ने 89 और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार एहसानुल्ला मियां खेल ने 17 वोट लिए। कुल डाले गए वोटों की तादाद 106 है और बाबर सलीम सवाती साहब ने 89 वोट हासिल करके खान ने 17 वोट हासिल किए। इंतखाब के बाद बाबर सलीम सवाती ने हल्फ उठाया और स्पीकर की कुर्सी संभाल ली। मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। डिप्टी स्पीकर के चुनाव में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुरैया बीबी कामयाब रही। उन्हें 87 वोट जबकि PTI के उम्मीदवार अरबाब वसीम को 19 वोट मिले। वोट जो डाले गए उनकी तादाद 106, तमाम वोट दुरुस्त करार पाए। अरबाब अहमद वसीम खान ने 19 वोट हासिल किए और मोहतरमा सुरैया बीबी साहिबा ने 87 वोट हासिल किए।